कम टू वाले मंचन आज आप लेकर आए पूरा थाल पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को अपने कमेंट जरूर भेजिए। चलिए फ्रेंड्स सीखने मैं बनाऊंगी थाल पोज, जिसे बनाने के लिए मैं दो कलर की ऊन ली है, इसकी मुझे अभी ज़रूरत है। उसकी देखिए, इस तरह से पहला फंदा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बनाएंगे तरह से, एक एक दो तीन, तीन बनाने के बाद इस तरह से इसको दो चैन बनाएंगे। एक दो तीन, एक दो, दो चैन बनाने के बाद फिर एक दो तीन, दो चैन, एक दो तीन, देखिए इसी तरह से ये छह बनाएंगे, सिक्स बन जाएंगे हमारे। देखिए हमारे सिक्स बन गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बन गए। अब इसको इसको यहाँ से इसमें अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ से एक दो तीन, तीन बनाने के बाद इस तरह से निकाल लेंगे। एक चैन बनाएंगे इसमें, फिर वहीं से एक दो तीन, यहाँ पे दो चैन अगले में, एक दो तीन, एक चैन फिर वहीं से, एक दो, दो चैन बनाने के बाद देखिए दो दो हो जाएंगे। चैन बनाएंगे फिर यहाँ से, फिर पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी दो की रो कंप्लीट हो गई है, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इसको यहाँ लाएंगे आगे, एक चैन निकालेंगे। देखिए अब इसके बीच से बनाएंगे, दो बनाए हैं इसके बीच से, एक दो तीन, एक चैन, एक दो तीन। देखिए एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे। उसके बाद इसमें से इसके बीच से एक दो तीन चैन, फिर इसके बीच में देखिए दो बनाएंगे, एक चैन, एक दो तीन, एक दो
तीन चैन बनाने के बाद इसमें से बनाएंगे, यहाँ से एक दो तीन चैन, फिर इसके बीच से एक दो तीन, एक चैन, फिर इसके बीच से एक बार, एक दो तीन चैन। देखिए इस तरह से बनेगा ये हमारा पूरा रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी रो ये पूरी हो गई, इसको यहाँ पे आगे इसको एक बार और, दो तीन, एक चैन, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद चार चैन बनाएंगे इसमें, इसके ऊपर यहाँ से बनाएंगे, एक दो तीन चार, इसके बीच से एक चैन, फिर इसके बीच से एक दो तीन चार, चार चैन बनाने के बाद यहाँ से दो तीन चार, फिर यहाँ से एक चैन, फिर यहाँ से देखिए इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा इतना हो गया, या इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे, इस तरह से यहाँ पे लाएंगे, एक दो तीन, एक चैन, फिर यहीं से एक दो तीन चार, देखिए चार की चैन बनाएंगे, पिछली बार भी चार की बनाई थी मैंने, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक चैन, फिर यहीं से वापस तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चैन बनाने के बाद फिर से एक चैन, देखिए इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसको यहाँ पे
इस तरह से। बीच में लाऊंगी इसे, एक चैन, दो, तीन, एक, दो, दो चैन डालेंगे इसमें, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, देखिए दो चैन, एक बार और बनाएंगे इसी में से, अब तीन तीन बार बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, चैन पाँच की हो गई हमारे यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, देखिए अगले में से तीन, एक, दो, दो चैन, एक, दो, तीन, एक, दो, फिर वहीं से देखिए पूरे में तीन तीन बनाऊंगी, पूरा कंप्लीट करूंगी। देखिए तीन डिजाइन डल जाएंगे। देखिए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। तीन की रो कंप्लीट हो गई है, तीन तीन डल गए। दो, तीन, एक, दो, दो की चेन बनाएंगे। देखिए फिर यहाँ से ही दो, तीन, एक, दो, दो की चेन, फिर यहाँ से एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैन बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चैन बनाने के बाद यहाँ देखिए इस तरह से दो दो डालेंगे इसमें। एक, दो, दो चैन, फिर यहीं से एक, दो, दो चैन, फिर यहीं से एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच की चैन, तो देखिए यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, तीन, दो, दो चैन, फिर यहीं से तीन, एक, दो, दो चैन बनाने के बाद देखिए एक यहाँ से पड़ जाता है, एक यहाँ से दो दो पड़ते हैं, चार हो जाते हैं, दो इसमें, दो इसमें, एक,
देखिए इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, अभी दो दो पड़े थे, अब देखिए एक दो तीन, एक दो दो चैन बनाएंगे फिर यहीं से। एक दो देखिए इस तरह से, अब इसमें भी डल जाएंगे, ये दो ये इसमें और इसमें पड़े थे, अब यहाँ पे भी एक दो तीन, एक दो एक दो दो चैन के बाद देखिए इसमें भी दो चैन, एक दो तीन, इस तरह से एक दो तीन चार पाँच, पाँच की चैन बनाने के बाद फिर यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, एक दो दो चैन फिर यहीं से, एक दो फिर अगले में से, एक दो एक दो एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बनाने के बाद इसमें लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, देखिए पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी यहाँ पे पूरी रो कंप्लीट हो रही है, देखिए यहाँ से मैं एक दो तीन, एक दो दो चैन फिर यहीं से, एक दो तीन, एक दो दो चैन फिर इसमें से देखिए, एक दो तीन, एक दो दो चैन बनाएंगे फिर यहाँ से, एक दो दो चैन फिर अगले से, दो एक दो फिर इसमें से,
दो तीन एक दो, फिर आगे से इसमें से एक दो तीन दो, यहीं से देखिए इनमें से इस तरह से दो दो पड़ जाएंगे, दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस हो जाएंगे देखिए इस तरह से। एक दो तीन चार पाँच, पाँच की चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, एक दो दो तीन, एक दो दो चैन निकालेंगे, उसके बाद फिर वहीं से एक दो दो चैन, फिर यहाँ से दो, फिर वहीं से देखिए इसी तरह से सारा कंप्लीट कर लूँगी, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। देखिए हमारी ये लाइन पूरी हो गई, अब इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। एक दो चैन निकाल के उसको कर देंगे यहीं से धागा। अब मैं ब्लैक धागा लगाऊंगी इसमें, इस तरह से पहला फंदा बना लूंगी। इस तरह से देखिए इसको यहाँ पे इस यहाँ अब ये यहाँ मैंने अटैच किया है, यहाँ से लगाऊंगी इसको। एक एक दो तीन, तीन बनाने के बाद इस तरह से एक दो, देखिए अब एक एक बनाएंगे सारे में, एक दो तीन, एक दो चैन, फिर इसमें एक एक दो चैन, फिर अगले में एक दो तीन, एक दो दो चैन, फिर इसमें एक दो तीन,
एक दो दो चैन फिर इसमें आ गया, एक दो दो, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको एक दो तीन, तीन चैन के बाद यहाँ पे एक दो तीन, अगले में एक दो तीन। देखिए इस तरह से ये हमारी डिजाइन डलेगी यहाँ पे इसके, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। देखिए अब अभी इधर डाल लिए डिजाइन, इसी तरह से अब मैं इस तरफ डालूंगी। एक दो, दो तीन, लेकिन इस इधर से इस साइड से ऐसे एक दो तीन, यहाँ से एक दो तीन, फिर यहाँ से ऐसे एक दो तीन, फिर यहाँ से एक दो तीन। देखिए यहाँ पे एक एक दो तीन, फिर इसमें एक दो तीन। देखिए इस तरह से ये डल के आ जाएगी। तो इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ दिया, एक यहाँ पे इसको लाएंगे इस तरह से, एक चैन, एक दो तीन, एक दो। देखिए अब सारे में एक एक डालेंगे, दो अगले, देखिए इसी तरह से पूरी डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये मेरा देखिए यहाँ तक पूरा हो गया है। यहाँ पे मैंने इस तरह से धागे को अटैच कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगी धागे को, देखिए
अब इसमें कम होंगे एक एक करके। अभी ये बना था, अब इसके यहाँ आगे बनेगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा आगे। एक दो तीन, एक दो, दो चैन, फिर अगले में एक दो तीन, एक दो, फिर इसमें अगले में तीन। एक दो, यहाँ के दो चैन बनाइए, अगले में एक दो तीन, देखिए जो यहाँ पे बीच में है इसमें इस तरह से। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से लाएंगे। अभी यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ बनाना है, एक आगे इसमें। देखिए यहाँ पे हमारी डिजाइन इस तरह से आ जाएगी। देखिए अगले में इसमें एक दो तीन, एक दो, दो चैन, फिर अगले में एक दो, दो चैन, एक दो, दो चैन बनाने के बाद ये इस तरह से यहाँ डिजाइन बनेगी। देखिए इसको इस तरह से इसको यहाँ पे बनाएंगे। अब एक दो तीन, ये डिजाइन हमारी यहीं अटैच हो जाएगी। देखिए इस तरह, एक दो, दो चैन के बाद देखिए इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अभी तो एक ही डिजाइन पड़ेगी एक एक सब में। देखिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ, इस ये वाली डिजाइन एक पड़ी थी। देखिए अब मैं दूसरी डालूंगी यहाँ पे। देखिए इतना बड़ा एक बनाती हूँ, फिर इस तरह से। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे इसके बीच में, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से कर दूंगी। अब यहाँ से एक और डालूंगी डिजाइन। इस तरह से आप देखिए इसमें हमारे एक एक कम होते जाएंगे। दो रो में दो कम हो गए हैं। अब यहाँ बनाऊंगी मैं इस तरह से, एक एक कम करती जाऊंगी। देखिए इस तरह से इसमें नहीं बनाया, आगे बनाऊंगी। तो इसी तरह से इधर छोड़ती जाऊंगी एक एक।
देखिए इसमें ये अटैच है हमारा, इसमें नहीं, इसके आगे बनाएंगे, दो तीन एक दो चैन निकालेंगे, अगले में बनाएंगे। देखिए हमारा इस तरह से दिखेगा। अब अगली बार यहाँ पे अटैच करेंगे, इसमें दूसरा बनाएंगे, दो तीन एक दो, दो चैन, एक दो तीन, एक दो, इसमें एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन। देखिए इसमें इस तरह से छूट गया ये, इस तरह से एक एक करके छूट जाएंगे, इधर भी कम होते जाएंगे ये। देखिए यहाँ पे मैं ये डिजाइन डालूंगी, देखिए एक एक चैन निकाल लूंगी, फिर इसको पकड़ लूंगी इस तरह से, इसके अंदर से देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। अब यहीं से एक डिजाइन डालूंगी, फिर एक चैन, फिर इसके बाद इस तरह से डिजाइन, फिर इसको देखिए इसके साथ अटैच करेंगे यहाँ पे ऐसे, दो तीन, देखिए इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी रो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, ये जहाँ से देखिए मैंने इतना डाल दिया था। अब देखिए यहाँ से एक और बनाऊंगी मैं अभी, देखिए एक एक छूटता है एक इस तरह से, ये मैंने पे। देखिए ये वाली डिजाइन डालूंगी मैं, देखिए अभी मैंने यहाँ पे जोड़ा था, अब मैं यहाँ पे जोड़ूंगी, देखिए चार चार के ये बन जाएंगे फ्लावर, देखिए इस तरह से मेरी एक यहाँ पे डिजाइन पड़ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी, देखिए यहाँ पे डिजाइन डलेगी इस तरह से। इस तरह से एक डिजाइन और डालेंगे, एक देखिए इस तरह से। अब इस पे यहाँ पे डिजाइन डालेंगे, इस तरह से आ जाएंगे फ्लावर हमारे,
दो चैन, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, दो देखिए ये हमारा यहाँ पे पड़ जाएगी, ये हमारे यहाँ से डिज़ाइन डलेगी, एक एक छूटता जाएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे ये वाली डिज़ाइन डालूँगी, देखिए इसके बीच में यहाँ पे एक डिजाइन और डालेंगे। देखिए अब इसमें यहाँ अटैच कर देंगे इसको, देखिए इस तरह से फ्लावर पड़ेंगे हमारे। यहाँ पे इस तरह से एक एक छूटते जाएंगे, ध्यान रखिए। देखिए इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से, यहाँ पे डिजाइन डालेंगे इस तरह से। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर फ्लावर से बन जाएंगे। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, अटैच करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे इस तरह से, एक एक कम करते जाएंगे दोनों साइड से। दो चैन, दो तीन, एक दो, दो चैन, एक दो तीन,
तीन, एक दो, दो चैन बनाने के बाद फिर इसमें देखिए अब ये डिजाइन आ गई। यहाँ पे इसके बीच वाले में इस तरह से इसके बीच में इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे पूरी रो।